रुक करते हैं अगली खबर को और बात करते हैं, चलिए बस्तर जिले की, जहां 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक दशहरे पर्व के बाद दूसरा बड़ा गोंचा पर्व भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बस्तर में श्री गोंचा पर्व की अलग पहचान है। इस पर्व के दौरान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को ग्रामीणों के बनाए हुए भव्य रथ में सवार किया जाता है। इसके बाद जनकपुरी तक परिक्रमा करवाई जाएगी। इस दौरान श्री गोंचा पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। 3 विशालकाय रथ परिक्रमा के दौरान स्थानीय ग्रामीण कारीगरों के बनाए हुए बांस की तुपकी से रथों को सलामी दी जाएगी। तो 600 सालों से यह परंपरा चली आ रही है जगदलपुर में, आपको बता दें, तुपकी से दी जाएगी प्रभु जगन्नाथ को सलामी। तो 600 साल से यह पुरानी परंपरा जगदलपुर में चली आ रही है। तो आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर दी गई है। 600 साल से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। आपको बता दें कि तुपकी से प्रभु जगन्नाथ को सलामी दी जाएगी। तो इसी बीच जगदलपुर से हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक दशहरे पर्व के बाद अब दूसरा बड़ा गोंचा पर्व भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरी तैयारियां की गई है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा, जिस तरह के बस्तर में ऐतिहासिक दशहरा जो 72 दिनों तक मनाई जाती है, वही आज जो श्री गोंचा यानी आज जो रथ यात्रा है, जहां आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वही बस्तर में इस रथ यात्रा को गोंचा त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। इस वक्त मैं जगन्नाथ मंदिर के समीप मैं मौजूद हूं और इस गोंचा पर्वों में क्या कुछ खास होने वाला है आपको भी बता देना चाहूंगा। जिस प्रकार पूरी के तर्ज पर यहाँ पर रथ का जो यह रथ बनाया गया है, आप देख सकते हैं, कैमरा से कहूंगा आप दिखा दीजिए, ये 3 जो विशाल गया रथ आपको नजर आ रहा है, तीनों रथों में जो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को इसमें रथारूढ़ होंगे और इस रथ को परिक्रमा करेंगे। वही आज जो गोंचा त्यौहार है, इस गोंचा त्यौहार के पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि गोंचा एक फल होता है, एक तुपकी होता है, जिसे इस तुपकी से आज जो जगन्नाथ प्रभु को सलामी दी जाएगी। सलामी के बाद जो तीनों रथ है यहाँ से परिक्रमा की जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है तुपकी लेकर पहुंच रहे हैं। आप देखिए इस तुपकी, आप देखिए बांस से बना हुआ एक फल होता है। भाई साहब जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज आप तुपकी भी खरीदे, क्या है, क्या परंपरा है? ये परंपरा क्या है? ये गोंचा, आपको सभी दर्शकों में कहना चाहूंगा, ये बस्तर का ये तुपकी है और तुपकी के बीच में ये फल होता है जो गोंचा फल है। इस फल को इसमें डालकर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मारा जाता है और एक आवाज भी आती है और कहा जाता है कि बस्तर की ये जो अनोखा परंपरा है और देश दुनिया में कहीं नहीं है, और यही कारण है कि आज गोंचा महापर्व के दिन जो लोग हैं वो भारी संख्या में ये जगदलपुर पहुंच रहे हैं और जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन कर रहे हैं। मैम, आज जगन्नाथ आप मंदिर आए हैं जी, आज रथ यात्रा क्या कहेंगे? अच्छा है, फिर रथ यात्रा है। देखिए ये जगन्नाथ है, पुराने जो राता की ऐतिहासिक धरोहर आपको नजर आ रहा है, जो मंदिर आपको नजर आ रहा है, ये जगन्नाथ मंदिर है। और यहीं से थोड़ी देर बाद यहाँ के जो रथ परिक्रमा की जाएगी, हम दर्शकों को इस बस्तर की जो अनोखा परंपरा के बारे में हम तो बता ही दिए हैं, ये भी एक परंपरा है कि यहाँ जगन्नाथ जो पुरी में जिस तरह से रथ परिक्रमा की जाए, रथ यात्रा होती है, बस्तर में उसके दूसरे रूप से मनाया जाता है। थोड़ी देर बाद असंख्य 7 जिले से लाखों जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और गोंचा पर्व का आनंद लेंगे। यह है जगन्नाथ मंदिर जी का, प्रभु का मंदिर है, आपके यहाँ के दर्शन कराएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ जगन्नाथ प्रभु विराजमान है और जो श्रद्धालु है यहाँ पर एक दूसरे आकर यहाँ पर प्रभु से दर्शन भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अभी जो है कल जिस तरह से जो जगन्नाथ प्रभु जी का जो नेत्रोत्सव हुआ है, नेत्रोत्सव के बाद आज जगन्नाथ के जो पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर ये जो विग्रह आपको नजर आ रहा है, इसी विग्रह में ही इसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर रथारूढ़ किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ जो महाराज भी है, पंडित जी बताएं कि आज रथ यात्रा है, बस्तर का इस रथ यात्रा क्या मान्यता है? बस्तर रथ यात्रा का एक विशेष महत्व है। यहाँ जो है ये जो भगवान जगन्नाथ जी को अभी तुपकी नुमा तोप, जिसको जिसके नाम है
तोप बोलते हैं, तुपकी, जो मलकांगिनी का जो फल है उसको उसमें डाल के भगवान जगन्नाथ स्वामी को उसका स्वागत, सलामी दिया जाता है, स्वागत किया जाता है। एक बस्तर भी एक अनोखा चीज है, देखने को मिलता है, और ये कहीं मतलब ये नहीं पाया जाता, कहीं नहीं मिलता है। मैं सभी दर्शकों को मैं प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कराऊंगा, देख सकते हैं उनका विग्रह यहाँ पर सुभद्रा बलभद्र और जगन्नाथ जी की जो विग्रह आपको नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज सभी जो श्रद्धालु है आ रहे हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, सुख संपत्ति का प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महाराज भी उसमें, आज बस्तर का गोंचा और रथ यात्रा है, कितना खुश है? बहुत खुशी है कि हमारे बस्तर में बंचा जो होता है वो एक स्पेशल है, जो भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है। यहाँ तुपकी का एक अस्त्र टाइप का होता है जो कि यूज़ किया जाता है, और उससे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा स्टार्ट होता है। समझ सकते हैं ये देश में एक पहली एक अनोखा परंपरा है जहां रथ यात्रा के दिन गोंचा पर्व मनाया जाता है। इस गोंचा के कई मान्यता है, यहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी को तुपकी से सलामी दी जाएगी, सलामी देने के बाद वह अब रथारूढ़ होकर वह जनकपुरी लाया जाएगा, और यही परंपरा जो है 600 साल से अधिक समय तक से मनाया जा रहा है। तो आपको देखने वाली बात होगी कि थोड़ी देर बाद जब रथ यात्रा शुरू होगा लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे और प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जीवानंद जी, रथों की अगर हम बात कर ले तो इस बार रथ जो है वो कहां से बनकर आए हैं, किन कारीगरों ने इन रथों को बनाया है? जी देखिए, यहां पर हर एक चीज के, हर एक त्योहार के पीछे एक जो लॉजिक, एक जो कारण, एक जो है, ये बस्तर में देखा जाता है। और बस्तर में जो ये रथ बनाने का जो परंपरा है ये आदिवासी के द्वारा बनाया जाता है, और हर दिन, और रथ का यानी यहाँ का जो हजारों साल, सैकड़ों साल पहले के जो राजा जी थे, पुरुषोत्तम देव थे, वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे, जहाँ पे जगन्नाथ जी को पूजा अर्चना जब किया तो जगन्नाथ जी प्रभु ने संतुष्ट होकर उनके 16 चक्का के रथ उनके प्रदान किया था और रथपति का उपाधि दिया था। उसी 16 चक्का के रथ लेकर जब पुरुषोत्तम देव बस्तर पहुंचे हैं, और उसी 16 चक्का में से जो 8 चक्का है, वो 8 चक्के जो रथ है वो दशहरा पर्व में, यानी 12 चक्का के जो रथ है वो दशहरा पर्व में चलाए जाते हैं, और जो 4 चक्का है वो जगन्नाथ जी को दान कर दिया गया है। उसी 4 चक्का में ही आज जो रथ का वो परिक्रमा की जाएगी। ये रथ का बहुत बड़ी मान्यता है, और ये रथ जो है यहाँ के जो गाँव के लोग है वो उसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पर जानकार है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। महाराज एक चीज बताइए कि यहाँ के जो रथ का नया निर्माण किया गया है, ये रथ निर्माण के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण, कौन लोग बनाते हैं? यहाँ के जो पुराने जो गोंड समाज के जो हैं उन लोगों को ही यहाँ पर वो कर किया जाता है, जो बुढ़िया बत्रा जो है उन लोगों को रथ बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और वही इसको करते हैं। जगन्नाथपुरी के बाद ये बस्तर का जो गोंचा है बहुत प्रसिद्ध है माना जाता है। जी हाँ, माना जाता है क्योंकि जगन्नाथ जी के यहाँ ही 3 रथ चलता है और यहाँ पर भी 3 रथ चलता है, तो बाकी और कहीं पर ये रथ नहीं चलता है। आप कहाँ से आए माता जी, कहाँ से आए? तोकापाल से। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, क्या कितना खुश है, क्या मांग रहे भगवान से? भगवान से मांग रहे जो मेरी वो दे सकते, दे मनोकामनाएं पूरी करे। निश्चित रूप से आज पूरा जगदलपुर से पूरा देश जो है भक्तिमय है, और यही कारण है श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर पहुंच जा रहे हैं, जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो जगन्नाथ प्रभु बलभद्र सुभद्रा रथारूढ़ होंगे। 600 सालों पुरानी ये परंपरा है जो आज भी बस्तर वासियों ने कायम रखी है। श्री गोंचा महापर्व है जिसकी तस्वीरें भी आपने हमको दिखाई, पुरजोर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका जीवानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया।